विदुड़ी जी, अध्यक्ष जी आपकी बड़ी मेहरबानी, सुप्रिया जी के 10 मिनट के टाइम में 20 मिनट बोली हैं सर, बड़ी मेहरबानी जी। सभापति जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, और उनके अभिभाषण पे अभी जो मैं सुप्रिया जी को सुन रहा था, राज्य के मामलों को यहाँ पर डिस्कशन कर रही थी वो सारे के सारे, और दुर्भाग्य देखिए कि 10 महीने पहले यही सत्ता में बैठी थी महाराष्ट्र में, और तब पेंशन नहीं मिली लोगों की, और लोकसभा में कह रही है पेंशन नहीं मिली वृद्धाओं को। आंगनवाड़ी का स्टेट का मामला होता है, क्यों नहीं देते वो लोग महाराष्ट्र में, और 10 महीने पहले सत्ता में थी, और 10 महीने बाद सब कुछ बिगड़ गया, सिलेंडर भी बिगड़ गया, सब बिगड़ गया। खैर, मैं अपने विषय पर आना चाहता हूँ अध्यक्ष जी। किसी भी देश की दशा और दिशा उस देश की सरकार की मानसिकता पर निर्भर करती है। अध्यक्ष जी, आज 140 करोड़ देशवासियों का ये सौभाग्य कि 50 वर्षों के कुशासन के बाद आज मोदी जी के कुशल प्रशासन को हम सब लोग देख रहे हैं। आज देश का उत्थान संभव हो पा रहा है आज, क्योंकि मेरी मोदी जी की सरकार जो है इसकी सोच में एक नयापन है, और इस नयेपन के कारण ही, क्योंकि नयापन क्या है कि पहले एक सोच थी मेरा परिवार, मेरा देश, मेरा परिवार ही हुआ करता था, उत्तर से दक्षिण तक सभी, अभी गमंडिया गठबंधन के भी लोग हैं, सबको अगर मैं गिनवाऊं, सभी दलों की सोच देख लो आप, नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, JMM शिबू सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, TMC ममता जी, अभिषेक जी, DMK करुणानिधि जी, स्टालिन जी, नाती दयानंद जी, दयान जी मारन जी, फिर बेटी कनीमोजी जी, ये सोच इनकी रही है। फिर कांग्रेस, अभी कह रही थी कांग्रेस मुक्त भारत करने की बात कर रहे हैं, सुप्रिया जी आप भी तो उसी टीम के आदमी हैं, आप भी तो कांग्रेस मुक्त करके तो भारत गए हैं माननीय पवार साहब जी। कांग्रेस, जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, अब प्रियंका जी लॉन्च की जा रही हैं। इस देश में और कोई है ही नहीं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, और दूसरी तरफ इस सबसे अलग, आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ लोग ही मेरे परिवार के सदस्य हैं, और ये परिवार नहीं, अब मैं बैठा नहीं क्योंकि शरद पवार साहब का मैं सम्मान करता हूं, वरना शरद पवार जी और सुप्रिया जी, और उसके बाद फिर हम सुप्रिया जी के बाद सुप्रिया जी किसको लॉन्च करेंगी पता नहीं, तो इसीलिए कि यही कारण है कि पिछले 10 वर्षों में, वो भतीजा है ना, वो बेटी नहीं है, इसीलिए यही कारण है कि पिछले 10 वर्षों में देश में एक ऐतिहासिक निर्णय, अभूतपूर्व विकास करने की तरफ देश आगे बढ़ रहा है, क्योंकि मेरे परिवार जनों, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। अखंड भारत की पहली नींव रखने वाले बंगाल के सपूत सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अपनी सेना बनाकर और गोरे अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए अपनी आर्मी का गठन किया, नेशनल आर्मी, उनके बारे में इनको 60 साल में किसी को सुध नहीं आई, उनको भी सम्मान देने का काम किया उस बंगाल के सपूत को करते पर प्रतिमा लगाकर, तो माने देश के प्रधानमंत्री जी ने, जिन्होंने देश को आजाद कराया, उन्होंने किया। कांग्रेस की मानसिकता ऐसी रही कि पूरे के पूरे 60 साल एक ही खानदान की लॉन्चिंग में लगे रहे, इतिहास के पन्नों में भी सुभाष चंद्र बोस जी कहीं नहीं रहे, एक ही खानदान को चमकाने में लग रहे। आज हमारे देश में 4 वर्ग के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस देश को बांटने, नॉर्दर्न, साउदर्न, साउदर्न में हिंदी अपोज कर रहे हैं, वहां ये कर रहे हैं, इस प्रकार की जो ये जो भारत तोड़ो लोग जो घूम रहे हैं इनके कान से, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा है हमने विकास करना है, 4 ही जातियां हमारे सामने हैं, महिला है, युवा है, अन्नदाता है और गरीब है, और इतिहास साक्षी है कि जब जब यहां क्रांति देश में आई है तब तक उसका बिगुल युवाओं ने बजाया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज 65% आबादी 35 साल से कम उम्र के लोगों की देश में है, और 25 साल से कम उम्र की आबादी हमारे देश की 50% के लगभग है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि के कारण, अगर हम उन 1857 की क्रांति की बात लें तो हम धन सिंह कोतवाल, मंगल पांडे, रानी झांसी, झांसी की रानी, तात्या टोपे, उसके बाद अगर हम अंग्रेजों के साथ में आए तो भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव जी, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, ऐसे वीरों के कारण ही
देश आजाद हुआ था। और इसी के कारण दूरदृष्टि की सोच है कि नौजवानों को आगे स्पेस देना पड़ेगा हमारे देश के अंदर। और ये कुछ पंक्तियां हैं जो लिखी जाती है, जिन्होंने कहा है कि तलवारों की धारों पर इतिहास बनाए जाते हैं, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। ये सोचकर ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए विकसित भारत का संकल्प इन्हीं युवाओं से संपूर्ण होगा। इन युवाओं की तरफ ध्यान देते हुए मोदी जी ने कहा है कि अभी जो नव मतदाता सम्मेलन में भी उन्होंने आग्रह किया था कि जो आज की हमारी पीढ़ी है 40 साल 50 साल 45 साल जिन्होंने तंज झेला है, वो आज का जो 22 साल का नौजवान है, भारत विकसित भारत होगा, उसको ये तंज झेलने की आवश्यकता नहीं होगी। युवाओं के उज्जवल भविष्य के संकल्पबद्ध प्रधानमंत्री जी इन अनेकों नीतियां योजनाओं के माध्यम से युवा कल्याण के मार्ग प्रशस्त करने का काम इस सरकार में 10 साल में हुआ है। अध्यक्ष जी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसका उद्देश्य एजुकेशन के साथ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रीनियरशिप और उसके बाद एक्सीलेंस, ये नई 2020 जो एजुकेशन पॉलिसी आई है और जो स्किल इंडिया के तहत 1,40,00,000 युवाओं को प्रशिक्षण देने के बाद स्टार्टअप इंडिया से स्वरोजगार में 2018 में 8,600 लोगों को रोजगार, जो दोनों को दूसरों को रोजगार देने का काम किया, और 2023 में स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से 26,542 युवाओं को, जिन्होंने और भी लोगों को स्टार्टअप के तहत रोजगार देने का काम किया है। इसी प्रकार से सुप्रिया जी चली गई, ये बोलते हैं पत्थर फेंकते हैं और भाग जाते हैं जी। सुनते तो पता लगता कि बेरोजगारी देश में कितनी कही है, कितनी संख्या में कम हुआ है। स्वनिधि योजना 78 लाख लोगों को 10,000 रुपए का लोन माने अध्यक्ष जी देकर, गरीब आदमी जो गांवों से शहरों की तरफ इसलिए पलायन करता है कि उसके पास 2 बीघा जमीन है, 1 एकड़ जमीन है, गुजारा होगा नहीं, शहर की तरफ जाऊं, बच्चों का लालन पालन करना है, शहर की तरफ आए रोजगार नहीं मिला, रोजगार करूं तो क्या करूं, रेहड़ी पटरी खोमचा लगाकर सब्जी बेचना, गुजारा करना, फ्रूट बेचना, चाय की दुकान लगाना, फेरी लगाकर, और वो लगाने के लिए पैसा कहां से आए, 10,000-20,000 रुपए होते तो गांव से शहर की तरफ क्यों आता, उनको साहूकारों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की गरीब आदमी के उत्थान को ऊपर करने की सोची थी कि स्वनिधि योजना चलाकर, योजना की 10,000 का लोन बगैर गारंटी के, क्योंकि मोदी जी ने 2014 में कहा था कि मेरी सरकार पार्लियामेंट में सांसद बनने के, पीएम बनने के बाद सेंट्रल हॉल में पहला भाषण है अध्यक्ष जी माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार रहेगी। 71 की तरह ये नहीं कहा था गरीबी हटाओ देश बचाओ, और गरीबी आज तक चल रही है। और गरीबों को समर्पित सरकार में स्वनिधि योजना के तहत 10,000 का लोन बगैर गारंटी के, बगैर ब्याज के, 1 साल तक कोई ब्याज नहीं देना गरीब आदमी को, और ऐसे 78 लाख लोगों को पिछले 2-3 साल में काम देने का काम हुआ। इसी प्रकार से मुद्रा बैंक 50,000 से लेकर और 10 लाख रुपए तक का लोन, वहां पर 43 करोड़ जो लोन मंजूर हुए हैं, इसमें 23 लाख करोड़ रुपया नौजवानों को देने का काम हुआ है। और इनकी मुझे लगता है जैसे कहते हैं ना कि किसी की हरे में फूट जाती है आंख तो उसको बाद में दुनिया हरी हरी नजर आती है, सूखे में पूरती है सूखी सूखी नजर आती है। ये कहते हैं कि रोजगार नहीं मिला लोगों को, तो 43 करोड़ जो लोन मंजूर हुए, 43 करोड़, SC ST स्टैंडअप के माध्यम से 7,651 करोड़ लोन SC ST नौजवानों को देने का काम हुआ। हर ब्रांच एक लोन देती है। पिछले 10 वर्षों में सर मेडिकल कॉलेज, गरीब का बेटा भी गरीब की बेटी भी MBBS बनने का, डॉक्टर बनने के ख्वाब लेकर आगे आती है, अवसर नहीं मिलता था, जहां 60 साल में 367 मेडिकल कॉलेज थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 643 हो गई सर, 103 केंद्रीय विद्यालय सरकारी खोलने का काम हुआ। अटल जी के नाम से अटल टिंकरिंग लैब, जहां 10,000 खोले जिनमें इनोवेशन को प्रोत्साहन मिले, तो 1 करोड़ ऐसे स्टूडेंट ने उसमें भाग लेने का काम किया है सर। और जहां तक मैं बात करूं खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, क्योंकि स्पोर्ट्स ही एक ऐसा इवेंट है जिसमें स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, चरित्र निर्माण, टीम वर्क की भावना लोगों के बीच में आती है, और इसी के कारण स्पोर्ट्स के माध्यम से जाति धर्म सबसे ऊपर एक सौहार्द की भावना का विकास होता है। जाति धर्म एक तरफ रह जाती है, केवल राष्ट्रवाद की भावना रहती है, जहां ना जाति, ना धर्म, ना क्षेत्रवाद, केवल राष्ट्रवाद नजर आता है। अगर सचिन तेंदुलकर कहीं भी सेंचुरी लगाता है, पूरा देश का नौजवान एक एक ताली बजाता है, भूल जाता है कि दक्षिण का है पश्चिम का है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री की सोच के कारण खेल को आगे बढ़ाने का काम हुआ, जो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आगे निकल कर आई, और जिससे जनता में एक नई चेतना जगी है।
भारत को विश्व स्तर पर एक नई पहचान बनी है। अध्यक्ष जी, पिछले 4 या 5 साल के अंदर देश भर में टैलेंट स्पोर्ट्समैन को आइडेंटिफाई करने के बाद उन्हें सरकार के द्वारा सहायता सर दी जा रही है, जिनमें लगभग हमारे देश में ऐसे जो लगभग 6 लाख के करीब एक स्पोर्ट्समैन को पैसा देकर उनके टैलेंट को उभारने का काम किया जा रहा है। जहां चिदंबरम जी चले गए, कीर्ति जी, मुझे लगता है उनके पिताजी ने 2019-2013 में जो बजट लागू किया था स्पोर्ट्स का, केवल 1219 रुपए था सर, और मोदी साहब ने बढ़ाकर इसको लगभग 3400 करोड़ रुपया कर दिया, 3 गुना से ज्यादा कर दिया, कि भारत का नौजवान उसको अवसर मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, और खेलो इंडिया के नाम से ही अलग से 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सितंबर 2014 में सर टारगेट हमारा जो ओलंपिक किया गया मोदी जी ने, और उसको पोडियम स्कीम लॉन्च की गई, जिसके कारण 2016 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, जो आज इतने मेडल्स आ रहे हैं, ये सर आपके माध्यम से देश को जानकारी होनी चाहिए। उस टास्क फोर्स ने तय किया ओलंपिक 20, ओलंपिक 24, ओलंपिक 28 को टारगेट करके परफॉर्मेंस कैसे बढ़े, इस पर कार्य करना शुरू किया गया सर। खेलो इंडिया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट के अंतर्गत 3000 शॉर्टलिस्टेड खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष 6,28,000 रुपए अनुदान देने का काम हमारी सरकार, मोदी सरकार ने किया है, क्योंकि खेल और स्पोर्ट्स में गरीब और सामान्य परिवार के बच्चे, गांव के बच्चे ज्यादा निकल कर आते हैं। कबड्डी, खो खो जैसे भारतीय खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए आगे बढ़ाया। इसी प्रकार से 29 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया गया सर उनके माध्यम से, जिससे शारीरिक व्यायाम, खेल व्यायाम और खेल के विषय में जन चेतना का प्रारंभ हो। उससे 45 मिनट अगर आप व्यायाम करेंगे आप स्वस्थ रहेंगे। और सर इस 2019 की फिट इंडिया लॉन्चिंग का उदाहरण है कि मैं कोरोना में फेसबुक कोई भी मेरी चेक कर सकता है। पूरे कोरोना में सर मैं कभी घर नहीं बैठा, लोगों की सेवा में जाता रहा, क्योंकि जो 45 मिनट व्यायाम होता था उसके कारण कोरोना कुछ नहीं कर पाया था। ये हमारे प्रधानमंत्री की सोच रही है सर। आज भी फेसबुक इसका उदाहरण देगा, फेसबुक पर रोज की डेट में जो हमारी पोस्ट होती थी, कहीं हम जो व्यवस्थाएं लोगों को दिया करते थे। इस कार्यक्रम के अंदर फिट इंडिया यूथ क्लब सर्टिफिकेशन को 15/8/2020 में माने प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया, जहां स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, चरित्र निर्माण के माध्यम से 47,133 युवा क्लब पंजीकृत किए देश के नौजवानों ने। देश के नौजवानों का विश्वास मोदी जी के अंदर बढ़ा है। और उसके बाद ओलंपिक के जो गेम हुए, उन्होंने इस बात को दिखा दिया कि भारत का युवा शक्तिशाली है, वो कुछ भी कर सकता है। इसमें कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग के अंदर जो 2019 में हुआ सर, 35 गोल्ड भारत के अंदर आए थे, जहां भारत टकटकी लगाए देखा करता था कि गोल्ड की लिस्ट में हमारा नाम होगा या नहीं होगा। इसी प्रकार से 21st कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस के अंदर तो सर कमाल ही हो गया। जितने भी टेबल टेनिस के हर एज के अंदर टूर्नामेंट हुए थे, इवेंट हुए थे, हर किसी के अंदर गोल्ड भारत ने लिया था सर। ये भारत का नाम रोशन किया इसी खेलो इंडिया खेलों के तहत, ऑल गोल्ड मेडल सर। और स्पेशल, अगर मैं स्पेशल ओलंपिक की बात करूं, 368 मेडल पैरा ओलंपिक के अंदर, जिसमें 85 गोल्ड, 154 सिल्वर, 129 ब्रॉन्ज, जो भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर आया सर 70 साल के बाद। ये कहते हैं, ऐसे करते हो जैसे 10 साल में ही सब कुछ हुआ है, इससे पहले हुआ ही नहीं, इससे पहले कभी सोचते भी नहीं थे सर हम। इसी प्रकार से सर मैं अभी जब एक स्टेडियम का नाम गुजरात सरकार ने मोदी जी के नाम से स्टेडियम का नाम रखा, बड़े तिलमिलाट लग गए। गोगोई जी आज है नहीं, अगर यहाँ पर होते तो मैं उनको बताता कि गोगोई जी थोड़ा बैक में जाकर देखिए, पूरे देश में एक ही खानदान के नाम से 19 स्टेडियम है सर। क्या इस देश में प्लेयर नहीं हुए? क्या इस देश में देशभक्त नहीं हुए? क्या इस देश में अच्छे पॉलिटिशियन नहीं हुए? इस देश के अंदर 32 शैक्षणिक संस्थाएं, 650 ऐसे वो हैं सर जिनको हम बोलते हैं संस्थाएं, जिनमें से 32 शैक्षणिक संस्थाएं, 4 अस्पताल केवल राजीव गांधी जी के नाम से हैं देश के अंदर। लेकिन इनको दर्द हो गया कि गुजरात सरकार ने मोदी जी के नाम से एक स्टेडियम का नाम कैसे रख दिया गया सर। इसी प्रकार से सर अगर ये विल पावर पैदा हुई है मोदी जी के नेतृत्व में, उन पर विश्वास करते हुए मजबूत सरकार जो बनी है सर, इस मजबूत सरकार को 84 के बाद 84 में जब रॉयट्स हुए थे तब देश ने माना था कि देश के अंदर कोई सरकार पहले से बनेगी। आज तीसरी बार सरकार बनने के पीछे मुझसे पहले तेजस्वी जी ने भी कहा, सुप्रिया जी भी कह रही थी एरोगेंसी है, ये एरोगेंसी नहीं है सर, ये विश्वास है सर। मुझे मालूम है मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूँ, 70 किलो उठा सकता हूँ, 90 किलो उठा सकता हूँ, 90 उठा सकता हूँ तभी कह सकता हूँ 90 किलो वजन मेरे सर पर रखो मैं लेकर जाऊंगा। जिसके अंदर विश्वास ही नहीं होगा क्या करेगा, क्योंकि 10 साल में मोदी जी ने जो निर्णय लिए, जो 18-18 घंटे काम किया है, मंत्रियों से काम कराया, उसका परिणाम है सर। भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का काम
500 वर्ष से सर कितनी पीढ़ी बीत गई, कभी किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई थी सर। अनुच्छेद 370 जम्मू की बात कर रहे हैं, अरे आंकड़े लिखा दो पहले कितनी हत्याएं की जाती थी। अब एक आतंकवादियों का अगर ऐसा कोई उनका ऐसा अटैक हो जाता है उसको लेकर शोर मचाते रहते हैं। ओबीसी कमीशन सर काका कलेलकर 30 मार्च 1955 को एक कमेटी बनाई जवाहरलाल जी ने, कल ओबीसी समाज जो देश के अंदर 44 से 50% है उनको उनका हक देने के लिए कभी यह हिम्मत नहीं जुटा पाए। प्रधानमंत्री मोदी साहब आए, ओबीसी के लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, सरकारी क्षेत्र से लेकर हर क्षेत्र में उनके साथ अन्याय हो, कमीशन में उनकी भी कोई बात सुनने वाला होना चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देने का काम किया तो मोदी जी के नेतृत्व में, ओबीसी समाज को सम्मान देने का काम किया तो मोदी जी ने किया। ये अगर निर्णय लेने की विल पावर की बात थी सर, अगर मैं आप इससे आगे सर मैं बात करूं, जो अपर कास्ट जिसको स्वर्ण जाति हम बोलते हैं उनमें गरीब नहीं रहते हैं क्या? कभी सोचा एक परिवार बड़े लोग ऊंची जाति के लोग उनका तो उत्थान हो रहा है, गांव में गरीब रह उसके बारे में नहीं सोचा? मोदी साहब ने बगर SC ST बगर शेड्यूल ट्राइब्स बगर ओबीसी किसी के कोटे को भी काटे बगैर उसी में से 10% आरक्षण देकर उन उच्च वर्ग के समाज के गरीब परिवारों को भी सम्मान देने का काम किया, उनका भी एडमिशन हो, उनकी भी नौकरियां लगे, ये कानून लाने का काम किया जिसका बहुत दुष्प्रचार किया गया देश के अंदर कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का आरक्षण मोदी जी खत्म करने जा रहे हैं, RSS के मैंडेट पर खत्म करने जा रहे हैं, ऐसा खूब इन्होंने नैरेटिव बनाने की कोशिश की। नारी शक्ति बंधन अधिनियम, सुप्रिया जी चली गई, अरे सुप्रिया जी आप तो पढ़ी लिखी हैं, अच्छे घरानों की बेटी हैं, झोपड़ी से निकल कर नहीं आई है, आपको तो मालूम है जब तक जनगणना नहीं होगी डिलिमिटेशन नहीं होगा तब तक कोई नई सीट में नया आरक्षण कैसे लागू हो जाएगा? जनगणना 2027 में होगी, 33% आरक्षण उन बहनों को नारी वंदन अधिनियम के तहत मिलेगा ही मिलेगा, क्या गुमराह करोगे? अब बेटियां पढ़ने लगी हैं, सब समझते हैं, इस सेशन में वो कैसे आएगा तभी आता सर, नारी बहनों को ये सम्मान देने का जो काम किया है। और सर मैं दक्षिणी दिल्ली लोकसभा है, जो पहले आउटर दिल्ली हुआ करती थी उसका नाम दक्षिणी दिल्ली हो गया, बड़ा बैकवर्ड इलाका है सर। सर मैंने वहां पैदा हुआ हूं गांव के अंदर, जो डेवलपमेंट कोई भी, मैं कहना चाहता हूं इस हाउस के माध्यम से चैलेंज करके मैं बता देना चाहता हूं, वहां पे सर साउथ दिल्ली के अंदर तुगलकाबाद मेरे गांव का नाम है, पंडित जी कह रहे हैं सर, जो वहां से मैं निकल के आता हूं वहां पे सर मैंने छोटे से लेकर विद्यार्थी परिषद से लेकर काम किया है सामाजिक क्षेत्र के अंदर, कभी कोई MP सोच भी नहीं सकता था, सरकारों की विल पावर नहीं थी, ये मोदी जी की विल पावर है सर। 885 एकड़ में बदरपुर जैतपुर के अंदर एक इको पार्क, जो एशिया में सबसे बड़ा पार्क बनाया जा रहा, गृह मंत्री इसको उद्घाटन करने के लिए अमित शाह जी गए थे सर। इसी प्रकार से DND से लेकर कालंदी हरिनगर, हम इस जो दिल्ली में सरकार चल रही है बौने दुर्योधन की, सर 3 मिनट और लूंगा, बौने दुर्योधन की जो सरकार चल रही है, कह दिया हम अपने पास पैसा देंगे हम सड़क बनाएंगे, गडकरी साहब ने कहा छोड़िए मोदी साहब ने बहुत पैसा दिया हुआ, मुझे बताइए मैं बॉम्बे से मिला देता हूँ 4,000 करोड़ की लागत से 6 लाइन का रोड, जब 2019 में उद्घाटन किया इन्होंने प्रचार किया ये तो केवल सगुफा छोड़ रहे हैं, आज वो 70% काम बनकर तैयार हो गया। आयुष्मान जो हम आयुर्वेद हॉस्पिटल की बात करते हैं सर, 200 बेड का बदरपुर के अंदर अस्पताल, माने मोदी जी ने जाकर उसका उद्घाटन किया, इन्हीं के टर्नओवर बनकर तैयार हुआ सर। इसी प्रकार से वेस्ट टू एनर्जी प्लांट 345 करोड़ की लागत से, जो कूड़े के ढेर दिल्ली में लगे रहते थे वो तेघड़ में बनने का काम हुआ सर। इसी प्रकार से सर संगम विहार में, या जो साउथ दिल्ली में बिजली का कट रहता था 24 घंटे बिजली नहीं आती थी, आज सर पीयूष गोयल जी वहां पर एनर्जी मिनिस्टर थे, गडकरी दोनों गए, 31 400/200 KVA का ट्रांसफार्मर 3100 करोड़ की लागत से बना, आज साउथ दिल्ली में एक मिनट भी लाइट नहीं जाती है सर। ये काम ये विल पावर अगर आई है, ESW फ्लैट 2,000-3,024 लोगों को, पक्के झुग्गी वालों को मकान देने का काम हुआ तो मोदी जी के नेतृत्व में 2 साल में झुग्गी वालों को मकान के हाथ में चाबी देने का काम हुआ। इसी प्रकार से सर बदरपुर के अंदर अगर मैं बात करूं एरो सिटी एयरपोर्ट से लेकर तुगलकाबाद मेट्रो, केजरीवाल जी बोले मैं तो अपनी प्लानिंग बनाऊंगा, ये तो शीला का फोर्थ फेज था, मैं तो परमिशन नहीं दूंगा, हरदीपपुरी जी ने कहा ये नहीं चलेगा, ये मोदी की सरकार है, अगर आप पैसा नहीं दोगे अकेले केंद्र सरकार पैसा देगी 10,000 करोड़ रुपया, और वो फोर्थ फेज की मेट्रो का काम तेजी के साथ में सर चल रहा है, जहां तिगरी से लेकर अंबेडकर नगर, खानपुर, लालकुआ, पहलालपुर के लोग जाम में फंसा करते थे, वो 1-1.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। सर मैं MLA था दिल्ली में, जब मैं MLA था सर एक हैंडपंप लगाने के लिए, एक टॉयलेट बनाने के लिए तरले करने पड़ते थे, ये प्रोजेक्ट में सर आपको बता रहा हूं 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट है सर। इसी प्रकार से सर अगर रग्बी स्टेडियम नौजवान बच्चे खेलते थे, DDA की जमीन, बच्चे कहते थे अंकल हमें 40,000 रुपए देने पड़ते हैं किसी भी प्राइवेट में जाने के बाद, मैं गए VC साहब के पास,
मैंने कहा जी मैं गृह मंत्री जी से बात करूं या आप करोगे, बीसी साहब ने बताया विदुड़ी जी रग्बी स्टेडियम पूरे भारत में अभी तक नहीं है सर, ये 21वीं सदी की बात करते थे राजीव गांधी जी, लेकिन पहला रग्बी स्टेडियम की लैंड अलॉट करके रग्बी मैदान बनाने का काम मैदानगढ़ी में हुआ। 44 साल में दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज नहीं था सर देहात के क्षेत्र में, मैं उस टाइम के वीसी के पास गया 14-15 में, उसी विचारधारा का वीसी रहा होगा। विदुर जी कैप लगा हुआ है, नया कॉलेज तो खुल ही नहीं सकता। मैं बड़ा परेशान, मैंने एजुकेशन मिनिस्टर से कहा, उन्होंने कहा मैं देखता हूँ, उस वीसी की छुट्टी हुई, अगला वीसी आया, कोई कैप नहीं, हमारे पास बहुत पैसा है सर, 8 एकड़ जमीन अलॉट कराकर और 80 करोड़ रुपया फैसिलिटेशन सेंटर तैयार हो गया और 200 करोड़ रुपया कॉलेज की फाइल होने के बाद धर्मेंद्र जी के पास पड़ी हुई है सर, कॉलेज का निर्माण हुआ है सर। बच्चों के खेलने के लिए द्वारका बागडोला में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, महिपालपुर के अंदर 188 करोड़ की लागत से पीडब्ल्यूडी की सड़क पर, पीडब्ल्यूडी ने पैसा नहीं दिया सर, ऑन द रिकॉर्ड हाउस में बोल रहा हूँ, मना कर दिया दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। हरदीप पुरी जी ने कहा हमारे पास बहुत पैसा है विदुड़ी चिंता मत करो, 11 महीने के अंदर अंडर पास का जो एयरपोर्ट लोग जाते थे वसंत कुंज भैरवली के, उस पुल को पूरा करने का काम किया सर। अंबेडकर नगर के अंदर आज जेटली साहब नहीं है सर, 2014 में यहां पर सर सरकार बन गई, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, मैं एमपी बन गया सर, पत्थर लगाए थे शीला जी ने, हर 10 किलोमीटर एक अस्पताल बनी 200 बेड की, शीला जी ने पत्थर लगाए 2005 में, इन्हीं कांग्रेस की मुख्यमंत्री जी ने, वहां पर सर अस्पताल नहीं थी। मैंने जेटली जी को कहा पहले बजट में जब पेश के अंदर सरकार ने किया था राष्ट्रपति शासन था, उसकी अर्नेस्ट मनी 50 लाख रुपए घोषणा करके, अंबेडकर नगर गरीब लोग रहते हैं, जे रिसेटलमेंट करानी है सर, गरीबों के लिए अस्पताल चाहिए, एनबीसीसी कंपनी के माध्यम से वहां पर एक 200 बेड का अस्पताल अंबेडकर नगर में, क्योंकि बाद में बौना दुर्योधन 15 में आ गया तो उद्घाटन करने का इसको मौका मिल गया, लेकिन उसकी शुरुआत की तो मोदी जी की सरकार के माध्यम से वो अंबेडकर नगर में 200 बेड का अस्पताल बना सर। क्या उसका कितना बिल है उन गरीब लोगों के लिए, शादी करने के लिए कहीं उत्सव पंडाल ही नहीं थे, 6 करोड़ की लागत से अंबेडकर नगर में उत्सव पंडाल बनाने का काम सर हुआ है। और सर सबसे बड़ा काम हुआ है दक्षिणी दिल्ली के लोगों को, 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के चरणों की धूल को अगर हमारे क्षेत्र के लोग देशवासी पिए तो भी कम पड़ेगा। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर यशो भूमि जो 25,000 करोड़ की लागत से सर 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेगा, दक्षिणी दिल्ली के लोगों को जो हमारे साउथ दिल्ली पार्लियामेंट के अंदर मिला है। इसलिए सर मैं आपके माध्यम से यशो भूमि की लागत के साथ साथ मैं सर यह चीज बताए बगैर नहीं रुकूंगा, आपको मुझे और थोड़ा टाइम और देना पड़ेगा सर। जो मैंने अभी बताया है यहाँ पर कुछ जैसे बोल रही थी वो पॉइंट लिख रहा था, सुप्रिया जी कह रही थी कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, क्या विकास हुआ है, 78 एयरपोर्ट की जगह सबने दोहरा दिया, 149 एयरपोर्ट तो हो गए सर, लेकिन हम इस बात को कैसे भूल जाएं सर, मेरठ आपके जाने में 4 घंटा लगा करते थे सर, 90 लाख किलोमीटर सड़कें 70 साल में बनी थी सर, और मोदी जी के आने के बाद 1,40,000 किलोमीटर सड़कें पिछले 7 साल में बनकर देश के अंदर तैयार हुई है। क्या मेरठ देहरादून भी हम पहुंचा, मैं सर आपके चौधरी चरण सिंह से मैंने LLB किए सर, जब मैं गाड़ी में जाता था 4-4 घंटे लगते थे सर, अब 1.25 घंटे में लोग 1 घंटे में मेरठ पहुंचाते हैं सर, ये मोदी साहब की देन है सर। इसीलिए मैं आपके माध्यम से ये जो माननीय राष्ट्रपति जी ने यहाँ पर ये अभिभाषण में प्रस्ताव रखा उनका समर्थन करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो काम हुआ है वो कल्पना से परे है। और तीसरी बार अगर सरकार की बात करते हैं तो देशवासियों के भरोसे पर मोदी जी बात करते हैं, सीतारामन जी ने कहा है हमने किया है, पेपर में क्या लिख कर आए हैं, हमें विश्वास है कि हमारे पास मार्क्स आएंगे, जो पेपर ही खाली छोड़ कर आएगा उसको संशय रहता है कि फर्रा चलेगा नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री भर्तृहरि मेहताब जी, पढ़ाई तो आपने ठीक की थी जी।